हेलो, दिस इज एडवोकेट देवाशीष मित्र। और आज जो प्रोग्राम है, आज जो चैनल में आज डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्राफ्ट अ डिवोर्स पिटीशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। नाउ डिवोर्स पिटीशन जब हम बनाएंगे तो वी हैव टू कीप इन माइंड फाइव पॉइंट्स। इन पॉइंट वो पांच पॉइंट हमेशा हमें डिवोर्स पिटीशन में डालना ही चाहिए। क्यों डालना चाहिए मैं एंड में बताऊंगा। तो टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन और मैं पांच पॉइंट डिस्कस करूंगा व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल ड्राफ्टिंग अ डिवोर्स पिटीशन। नंबर वन, क्रुएल्टी। ना क्रुएल्टी दो टाइप का होता है, वन इज फिजिकल क्रुएल्टी, वन इज मेंटल क्रुएल्टी। ना फिजिकल क्रुएल्टी क्या होता है? व्हेन अ स्पाउस हिट सम अदर स्पाउस, तो ये फिजिकल क्रुएल्टी होता है। ना फिजिकल क्रुएल्टी हम प्रूफ कैसे करेंगे? वेरी इजी। अगर हस्बैंड बीट्स अ वाइफ और वाइफ बीट्स अ हस्बैंड, अगर आपको पास मार्क है, चोट लगा हुआ है, तो व्हाट यू डू, गो टू अ डॉक्टर और डॉक्टर के पास जाके एक प्रेस्क्रिप्शन बना लीजिए और उसमें कहीं पे लिखवा लीजिएगा कि ये आपको कोई किसी ने मारा है, इसलिए चोट लगा है। बट नेचर डॉक्टर तो लिखेगा नहीं कि वाइफ ने मारा है, हस्बैंड मारा है, तो दरकार नहीं है। बट किसी ने मारा, कैसे चोट बना लीजिए। नाउ विद द मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज अ एनसी कंप्लेंट। एनसी कंप्लेंट में क्या कीजिएगा? अगर वाइफ ने मारा है या हस्बैंड ने मारा है, तो उनका फोन नंबर मत दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि पुलिस विल नॉट कॉल द अदर साइड, तो अदर साइड को पता नहीं चलेगा कि यू हैव लॉज्ड एन एनसी कंप्लेंट। नाउ जब आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करोगे तो अटैच ऑल दिस प्रेस्क्रिप्शन जो आपका पास है डॉक्टर्स का, और एनसी लगा के कोर्ट को बोलिए, देखिए आई हैव बीन सब्जेक्ट टू फिजिकल क्रुएल्टी मेनी ऑकेशन। दो चार बार डॉक्टर के पास गया था, जो प्रेस्क्रिप्शन पड़ा है और पुलिस में भी एनसी किया, बट पुलिस हैज नॉट टेकन एनी स्टेप, और ये जो फिजिकल अटैक है मेरे ऊपर रेगुलरली हो रहा है, तो दिस विल मेक योर केस फॉर क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी प्रॉपर बन जाएगा। तो कम टू मेंटल क्रुएल्टी। फिजिकल क्रुएल्टी तो दिखा सकते हैं, चोट लगा है नहीं लगा है, तो मेंटल क्रुएल्टी कैसे दिखाओगे? ना मेंटल क्रुएल्टी में दो भाग में भाग किया हूं, एक हस्बैंड के लिए मेंटल क्रुएल्टी क्या का होगा और वाइफ के लिए। तो शुरू करते हैं हस्बैंड से। फर्स्ट, ह्यूमिलेटिंग द हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये कैसे होता है? हमने देखा है कई कई, जैसे वाइफ लोग बोलते हैं कि ये मेरा पति निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, बेकार है, फलाना फलाना। तो जब ये बात वाइफ बोलते हैं और आपको लगता है कि भाई ये आपका मैंने मेंटल क्रुएल्टी हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, ऑन दैट इवनिंग और दूसरा दिन में एक व्हाट्सएप भेजिए वाइफ को और लिखिए कि तुमने मेरे बारे में ये पार्टी में या ये जगह में जाके मेरे बारे में ये बोला था, ये सही नहीं है। गेट दैट रिकॉर्डेड इन व्हाट्सएप। वाइफ कुछ ना कुछ तो जवाब देगा। अगर जवाब भी नहीं देगा, कम से कम पड़ेगा ब्लू टिक तो आ जाएगा, वो आप प्रिजर्व करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ये आपके काम पे आएगा। सेकेंड, मेकिंग फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट द हस्बैंड। अगर आप देखोगे आपके बारे में फॉल्स एलिगेशन कर रहा है, तो सेम व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग कर लीजिए एज आई सेड। थर्ड, डिनायल ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट एनी जस्ट एंड वैलिड कॉज। मैरिज में अगर वाइफ आपका फिजिकल रिलेशनशिप बनने नहीं दे रहा है, दैट इज ऑल्सो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? द वाइफ इज हैविंग अ इमोरल लाइफ। इमोरल लाइफ क्या होता है? जैसे शराब पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, जो कपड़ा आपका परिवार में चलते नहीं, वही कपड़ा पहन के घूम रहा है, लड़का से घूम रहा है, तो जो आपको लगे कि इट इज नॉट मॉरल एज पर द स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस ऑफ योर फैमिली, तो ये अगर होता है तो आप क्या करोगे? आप फोटो उठाइए, पिक्चर उठाइए। अगर कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वहां पे पिक्चर कर लीजिए, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उसे पिक्चर बना लीजिए, फोटो उठा लीजिए एंड कीप दोस फोटोग्राफ्स रेडी। नाउ नेक्स्ट, कौन सा डिमांड ऑफ मनी। अगर वाइफ ऑन डिमांड मानते कि मुझे 2,000 दो, 3,000 दो, 5,000 दो, मैं एक क्लब में जाना है शॉपिंग करने, जेवर खरीदने, व्हाट डू डू, लेट अस स्पेंड दोज मनी। और आप क्या करोगे, आपका जो डेबिट कार्ड है, एड ऑन डेबिट कार्ड दे दो एंड उसे बोले भाई तुम्हें जो भी खर्चा करना डेबिट कार्ड से खर्चा करो, तो शी विल कीप ऑन स्पेंडिंग। और आपके डेबिट में रिकॉर्ड होते जाएगा कि आप क्या क्या खर्चा करें, आप दिखा सकते हो, देखो यहाँ पे ज्वेलरी खरीदा गया है, रेस्टोरेंट में खाना खाया गया है, all these things will come in the record of the debit card which you can use। and last is aggressive behavior। बीवी पीटती है हमको, चिल्लाती है, तो ये भी आप रिकॉर्ड करके रख दीजिए एंड दैट यू कैन यूज। नाउ केस ऑफ वाइफ, पहले तो आ जाता है सबसे बात ह्यूमिलेटिंग द वाइफ, जो पहले बोला था हस्बैंड का, सेम यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड पॉइंट जहां पे वाइफ मेंटल क्रुएल्टी कर सकता है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ द हस्बैंड। अगर हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, इज अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर डिवोर्स, आप मेडिकल रिपोर्ट दिखा के कर सकते हैं। फोर्स टू अबॉर्ट द चाइल्ड, यानी कि अगर
हस्बैंड फोर्स कर रहे नहीं अब आपको अबॉर्शन करना है तो आप क्या कीजिएगा, अबॉर्शन तो हो जाएंगे लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आप रख दीजिएगा, बाद में बोलेंगे कि हमें फोर्स किया गया था, आई वाज वांटेड दी चाइल्ड टू कम इन द फैमिली बट माय हस्बैंड फोर्स्ड इट। नेक्स्ट हैबिचुअल ड्रिंकर, अगर आप देखें आपका हस्बैंड बहुत ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, घर में चिल्ला चिल्ली करता है, फोटो खींच के रख दीजिए, रिकॉर्डिंग करके रख दीजिए, वो फोटो आप डिवोर्स पिटीशन लगा दीजिएगा। नाउ डिमांड फॉर डाउरी, अगर डिमांड फॉर डाउरी वगैरह होता है तो आप क्या कीजिए, अगर कुछ पैसा हस्बैंड का अकाउंट में डालवा दीजिए और फ्रॉम योर फादर साइड और योर अपना जो भाई है पापा है उनके साथ डालवा दीजिए तो दैट, और वहां पे दिखा सकते हो कि भाई शादी का पहले तो बहुत सारे कुछ लिया था, शादी का बाद में भी डिमांड कंटिन्यूस चल रहा है और मैंने पापा हैज बीन फोर्स्ड टू ट्रांसफर दिस मनी इन हिज अकाउंट, ये आप दिखाइए। एंड नेक्स्ट हस्बैंड हैविंग एन इमोरल लाइफ, जो भी आपको दिखाया था तो आप बता सकते हो। तो ये जो आप ये क्यों डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप केस बनाओगे मेंटल क्रुएल्टी का तो मेंटल क्रुएल्टी में प्रूफ करना टफ होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास सब है तो आप लगा सकते हो और ये ग्राउंड के ऊपर अच्छा अगर अच्छा सा ड्राफ्ट बनाओगे तो देयर आर गुड चांसेस दैट यू कैन गेट अ डिवोर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, डेजर्शन। डेजर्शन का छोटा मोटा जो डेफिनेशन जो है दैट इज इंटेंशनली डिचिंग द हस्बैंड विदाउट जस्ट एंड रीजनेबल कॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर। अगर बीवी आपके घर के घर छोड़कर चला जाता है तो आप प्रूफ कैसे करोगे कि इस दिन में बीते गया, तो बीवी चला जाने के बाद एक व्हाट्सएप भेज दीजिए कि आई वांटेड बट वी हैव लेफ्ट द हाउस विदाउट टेलिंग एनी रीजन, बट देयर इज नो रीजन फॉर लीविंग अस, आई लव यू, कैन यू कम बैक। अब 2-3 महीना बाद ज्यादा मत कीजिए, 2-3 महीना बाद आप एक एक लेटर भेज व्हाट्सएप भेजते रहिए, ईमेल भेजते रहिए, मम्मी से पापा से बहन से वो भी अपने रिश्तेदार से भेजते रहिए और 2 साल का पीरियड कवर कीजिए। 2 साल के बाद जब डिवोर्स पिटीशन फाइल करोगे आप दिखा सकते हो, देखो हुजूर ये तारीख को घर छोड़ के चली गई, उसके बाद मैंने हर 2-3 महीना बाद उसे व्हाट्सएप करते गया, बुला दे गया, फोन किया, फोन नहीं उठा रहे, आ नहीं रहे, मेरा बात छोड़ दीजिए, मेरा मम्मी ने लिखा, पापा ने लिखा, बहन ने लिखा, भाई ने लिखा, इतना सब लोग लिखने का बाद भी शी इज एडमेंट नॉट टू कम बैक और 2 साल हो गया एंड ऑन दैट ग्राउंड यू विल गेट अ डिवोर्स, देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट ऑन दैट। थर्ड पॉइंट अडल्ट्री, अगर आप अडल्ट्री दिखा सकते हो कि हस्बैंड या वाइफ कोई भी दिखा सकते हैं अडल्ट्री, अगर देख सकते हो कि ही द पर्सन इज हैविंग रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज वो दिखा सकते हो तो इट्स अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अब वो कैसे प्रूफ करोगे, फोटो खींच लीजिए, जो भी दोनों पार्टी का दोनों को फोटो खींच लीजिए और क्या कीजिएगा, वो फोटो पिटीशन में लगाओगे ही, जो अदर पार्टी है जो दूसरा पार्टी है उनको भी एक्स पार्टी बना दीजिए पिटीशन में। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत सारे लॉयर बोलते दरकार नहीं है, लेकिन मेरा क्या दरकार क्यों, अब जब वो आदमी का पार्टी बनाओगे लड़का हो या लड़की जो भी है उसका जब पार्टी बनाओगे बट नेचुरल लाइफ सीन फॉर माय एक्सपीरियंस दे विल नेवर कम, तो अब दिखा सकते कोर्ट के हुजूर देखो ये आदमी के साथ या ये औरत के साथ शी वाज हैविंग और ही वाज हैविंग एन एडल्टरस रिलेशनशिप, आई मेट हिम और हर अ पार्टी बट सिंस द पर्सन नोज दैट ही और शी इज एट फॉल्ट एंड फॉर दैट रीजन इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग द समन्स द पर्सन इज not in a position to come, यानी कि आपका जो केस है अपना जो identity case बना है वो और मजबूत हो जाएगा कि सामने वाले को मैंने पार्टी बनाया हूँ उनको नोटिस सर्विस किया हो लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं रहा है बोलने के लिए कि भाई ये गलत है, तो बिकॉज नॉन डेनियल नॉन ट्रेवल्स इज अ गुड ग्राउंड दैट इज एडमिटिंग इट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर डाउरी, अगर आप दिखा सकते हो कि द हस्बैंड ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज आस्किंग फॉर डाउरी देन इट इज अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर डिवोर्स बिकॉज डाउरी देना और लेना दोनों ही इज बैड अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अगर शादी का पहले भी लिया तो उसका रिकॉर्ड बना लीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट करवा लीजिए, अगर शादी का बाद होता है तो आप क्या कीजिए कि हस्बैंड के अकाउंट में पापा से या अपना भाई से पैसा कुछ भेजवा दीजिए, अकाउंट में ऑनलाइन भेजवाएगा, पोस्ट अपने फिजिकल कैश मत दीजिएगा, रीजन बता रहा हूँ, जब पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा तो आप बता सकते हो कि देखो शादी के बाद भी हस्बैंड कंटिन्यूस पैसा मांग रहा है और अपार्ट फ्रॉम कैश व्हाट ही हैज टेकन ये वाइट में भी लिया है और इसके अकाउंट में आया है, हस्बैंड विल नॉट बी एबल टू प्रूव ये पैसा क्यों उसके अकाउंट में आया है, सो दैट एंड विद दैट यू कैन मेक अ वेरी गुड रॉक सॉलिड केस फॉर डिमांड फॉर डाउरी। लास्ट 5 नंबर पॉइंट इंसेनिटी और इनकरेबल डिजीज, अगर इनकरेबल डिजीज है या किसी सिज़ोफ्रेनिया है और उनको जो बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकता है तो ये बीमारी अगर आप दिखा सकते कि ये बीमारी है या मेडिकल रिपोर्ट लगा सकते हो तो देन इट आल्सो अ गुड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। नाउ मैंने ये सब पॉइंट क्यों बताया,
नॉर्मल केस में हमने देखा है कि भाई दो पेज का डिवोर्स पिटीशन बन जाता है, कोर्ट में जाते हो और मैटर चलते रहता है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल चलते रहता है, क्योंकि आपको एविडेंस में प्रूफ करना पड़ता है, आर्गुमेंट में प्रूफ करना पड़ता है। बट इफ यू पुट ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाट यू हैव, ऑल द इंग्रेडिएंट्स यू हैव इन द पिटीशन इटसेल्फ, तो पिटीशन बहुत हेवी बन जाता है और सामने वाला ये पिटीशन पढ़ के कभी कभी डर जाता है कि भाई इनके पास इतना सारा कुछ है तो आगे जाने और क्या होगा। तो मैंने देखा विथ माई एक्सपीरियंस इन बहुत सारे केसेस में सामने वाला आके बोलता है भाई सेटल कर लो, लेट अस कन्वर्ट इनटू अ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। कोई कोई केस में तो सामने वाला आता ही नहीं है डर के हमारे, खासकर जब एडल्ट्री का केस होता है, डिजर्शन का केस होता है, सामने वाला आता ही नहीं है तो ऑटोमेटिक आपको डिवोर्स मिल जाता है बिकॉज सामने वाला इज नॉट कमिंग। तो मेरा ख्याल से जब भी आप डिवोर्स पिटीशन ड्राफ्ट करो, ये जो पॉइंट आपने बताया फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी, उसके बाद डिजर्शन, एडल्ट्री, डिमांड फॉर डाउरी और बाद में इनकरेबल डिजीज, ये 5 पॉइंट जो है ये आप हमेशा डालिएगा। और सबसे बड़ा और एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, और जो है कि जब भी आप पिटीशन बनाओ कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन हैंडी और सब कुछ जुगाड़ करने का बाद ही डिवोर्स पिटीशन फाइल कीजिए। डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद पेपर ढूंढिए मत, क्योंकि इफ योर पिटीशन इज वेरी गुड एंड वेरी वेल मेड, टेक इट फ्रॉम मी, आपको ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस वॉज लायंस देवाशीष मित्रा एंड यू आर वॉचिंग लायंस लीगल। Please like our video, share and subscribe. Thanks for watching.